आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही कॉमन लैटिट्यूड है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या, उसके बाद मैं आपको एक मानचित्र के सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लैटिट्यूड होता क्या है? ये एक एंगुलर डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस को कहा जाता है। मैं इसके बारे में आपको अभी और बताऊंगा। और ये हर एक लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है वो 179 या 181 भी आप कह सकते हैं। मैंने यहाँ एक्सेप्ट दी पोल लिखा है क्योंकि ये पोल पे जाते ही दोनों डॉट का रूप ले लेते हैं तो हम उसको लाइन या सर्कल नहीं कह सकते, इस वजह से मैंने 179 लिखा है। अब हम देखेंगे कि ये होता कैसे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि और लगभग इस तरीके से हम देखते हैं उसको। पहली लाइन जो कहा गया है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब हम सभी जानते हैं मैथमेटिक्स में कि किसी भी सर्कल का सेंटर यहां, और एंगुलर डिस्टेंस ये वर्ड थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है। हम सभी जानते हैं धरती के बीचों बीच अब एक सर्कल के चारों तरफ घूमने वाली लाइन, जिसको सबसे बड़े लैटिट्यूड के नाम से हम जानते हैं, जिसका एक स्पेशल नाम इक्वेटर भी दिया गया है, आप उसको जानते हैं। इसकी खासियत, इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि यह धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। और यह 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। अब एंगुलर डिस्टेंस की बात हम करते हैं कि ये एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है। सेंटर से हर एक डिग्री पे ये एंगल हर एक डिग्री पे बनाया गया है। अब एक डिग्री का सेंस हम यहां से जब भी हम एंगल बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन पे आप एंगल बना सकते हैं। मान लेते हैं कि एक डिग्री यहां है। अब यहां ये एक डिग्री पैरेलल टू द इक्वेटर या अदर लैटिट्यूड, एक ही बात है, पैरेलल टू द इक्वेटर या पैरेलल, आप सभी जानते हैं कि पैरेलल दो समानांतर रेखा को कहा जाता है। अब ये पैरेलल, अब ये देखें कि 0 से 1 डिग्री ये दूसरी लैटिट्यूड होगी। ऐसे ही हम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे की तरफ यहां 90 डिग्री और यहां 90 डिग्री बनाते हैं। इसी हिसाब से ऊपर से टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो हमने बोला 179, आप देखेंगे कि यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक फिर से 90 और एक जो लैटिट्यूड जो 181 90 और 90 180 हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 179, ये 179 इसीलिए आया है क्योंकि इसमें 0 डिग्री लैटिट्यूड एक प्लस हो रहा है तो ये 181 है। लेकिन मैंने कहा था कि 90 डिग्री यहां आते आते ये डॉट हो जाता है। डॉट होने की वजह से हम इसको लाइन नहीं कह सकते या पूरा सर्कल नहीं कह सकते। इस वजह से यहां अगर 181 में से दो लैटिट्यूड एक और ये और 90 डिग्री माइनस करते हैं ना तो ये 179 हो गया।